17 मई तक के लिए अब लॉकडाउन लागू रहेगा। लगातार दूसरी बार देश भर में लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। कोरोना संक्रमण के हिसाब से पूरे देश को तीन हिस्सों में बांट दिया गया है। आपको बता दें कि पूरे देश को ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में बांटा गया है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में लॉकडाउन के दौरान कुछ राहत मिलेगी। हवाई सेवा, रेल सेवा और मेट्रो सेवा 17 मई तक पूरे देश में बंद रहेंगे। देश के 130 जिलों को रेड जोन, 284 को ऑरेंज जोन और 319 जिलों को ग्रीन जोन घोषित किया गया है। ग्रीन जोन में शर्तों के साथ बस चलाने की अनुमति दी गई है। तो तीन अलग अलग जोन बना दिए गए हैं पूरे देश में। और लॉकडाउन, ये बड़ी खबर आज की जो सबसे रही वो ये कि केंद्र सरकार ने एक बार फिर से फैसला कर लिया है कि लॉकडाउन अभी जारी रहेगा। 3 मई तक पहले लॉकडाउन 2 का ऐलान किया गया था और अब 4 मई से जो लोग राहत की उम्मीद कर रहे थे वो अब नहीं मिलेगी। 4 मई से लेकर 17 मई तक लॉकडाउन 3 जारी रहेगा, यानी लॉकडाउन अब 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों, पर्यटकों और श्रद्धालुओं को रेल से अपने गृह राज्य ले जाने की इजाजत दे दी है। इसके बाद सुबह तेलंगाना के लिंगमपेल्ली से झारखंड के हटिया के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई। ये ट्रेन प्रवासी मजदूरों को लेकर आज रात हटिया स्टेशन पहुंचेगी। ये ट्रेन वाकई में कई जिंदगियों को गले लगाने के लिए चली। बरसों से हिंदुस्तान में खोए हुए मजदूर पहली बार जिंदगी को गले लगाएंगे, पहली बार अपनों से बिछड़ने और मिलने का सुख पाएंगे। पहली बार ये स्पेशल बने हैं, पहली बार इनके लिए स्पेशल ट्रेन चली, पहली बार इनकी हिफाजत में अधिकारी जुटे, पहली ही बार इनके लिए पूरा सरकारी अमला जी जान एक कर रहा है, पहली बार मजदूर दिवस जिंदाबाद हुआ है। ये तस्वीरें हैदराबाद के लिंगमपल्ली स्टेशन की है। सुबह 5 बजे मजदूर दिवस पर झारखंड के 1,200 मजदूरों को बड़ी राहत मिली जब लॉकडाउन के दौरान पहली बार ट्रेन झारखंड के लिए दौड़ी। प्रवासी मजदूरों को लेकर झारखंड आ रही ट्रेन से उन लोगों में उम्मीद जगी है जो कई दिनों से अपनों से दूर फंसे हुए थे। इसमें सवार 1200 मजदूरों को लेकर ये ट्रेन हटिया के लिए निकल चुकी है जो कि आज रात 11 बजे तक हटिया पहुंचेगी। हटिया में सभी लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा, इसकी तैयारी की जा रही है। ट्रेन में 24 जिलों के 1200 प्रवासी मजदूर सवार हो गए हैं। आने वाले मजदूरों में सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर चतरा और गढ़वा से हैं। मजदूर दिवस पर केंद्र सरकार ने झारखंड के मजदूरों को बड़ा तोहफा दिया तो झारखंड सरकार अब इन मजदूरों के रहने खाने से लेकर सभी बुनियादी सुविधाओं के लिए कमर कस चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हटिया स्टेशन पहुंचकर तैयारियों का जायजा लेते नजर आए। तेलंगाना से स्पेशल ट्रेन से आ रहे मजदूरों के लिए किए गए तैयारियों का मुख्यमंत्री ने जायजा लिया। साथ में मुख्य सचिव, रांची के उपायुक्त समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। संतोषजनक दिख रहा है लेकिन पदाधिकारी लगातार हर चीज को माइक्रो लेवल पर बार बार चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई कमी बेसी तो नहीं, और उसको सुधारा भी जा रहा है और ठीक भी किया जा रहा है। और जैसे ही लोग आएंगे उसमें अगर कुछ और भी बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी तो ये जिला प्रशासन सक्षम है और ये चीज़ों को अपने तरीके से उस समय समय अनुसार चीज़ों में फिर बदल करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की उपसमिति और पदाधिकारियों की अहम बैठक हुई। मजदूरों की वापसी के बाद उनकी स्क्रीनिंग, उनके भोजन और रहने की व्यवस्था और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की रणनीति पर विचार विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर प्रवासी मजदूरों की झारखंड वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। यह तब तक जारी रहेगा जब तक लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर, किसान, विद्यार्थी और पर्यटक समेत अन्य लोगों को वापस नहीं ले आते हैं। विभिन्न राज्यों से अपने मजदूर जो यहां वापस आना चाहते हैं उनको लाने में लग गई। आपको मालूम है कि बीते रात में ही कुछ बसें निकल चुकी हैं और आज तेलंगाना हैदराबाद से भी एक ट्रेन आ रही है।
तेलंगाना से स्पेशल ट्रेन से रांची आ रहे मजदूरों में 36 मजदूर चतरा के हैं। इन मजदूरों को रांची से लाने के लिए चतरा से दो बसें हटिया स्टेशन भेजी गई हैं। कि आप लोग जान रहे हैं, हैदराबाद से ट्रेन के द्वारा मजदूरों को लाया जा रहा है। आज रात में 9:30 तक वो लोग हटिया स्टेशन पे पहुंचेंगे। चतरा के 36 मजदूर हैं उसमें, तो उनको लाने के लिए दो बस यहाँ से भेजी जा रही है। और इस वक्त हटिया से जी मीडिया संवाददाता मदन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुख करते हैं मदन का। मदन, जाहिर तौर पर ये एक समस्या इस वक्त चल रही है पूरे देश में, पूरी दुनिया में, कोरोना को लेकर, और इसीलिए यह फैसला हुआ कि जो मजदूर दूसरे प्रदेशों में फंसे हैं उन्हें लेकर आया जाए। लेकिन उनके लिए तो जाहिर तौर पर यह बहुत उत्साह और त्योहार की तरह है कि उन्हें आखिर ये राहत मिल गई जो दूसरे प्रदेशों में फंसे थे उनको लेकर आने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार कोरोना वायरस को लेकर के ये महामारी जो चल रहा है, लॉकडाउन की पूरी देश में जो है लोग सभी तरह के यातायात या अन्य साधन बंद हैं, उसके बीच जो राहत भरी खबर और कहे मजदूर दिवस के तौर पर एक उपहार के यानी तोहफा के रूप में जो झारखंड के मजदूरों को मिला है वो बेहद ही खुशी का पल। अब से ठीक थोड़ी देर बाद यहां जब वो ट्रेन पहुंचेगी जो तेलंगाना से चली है और 1200 के करीब मजदूर उस पर सवार हैं, वो सभी झारखंड के हैं, तो अब से ठीक थोड़ी देर बाद इसी हटिया स्टेशन पर पहुंचेगी। लेकिन हम सबसे पहले ये तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए ये रेड गोला बनाया गया है ताकि लोग कतारबद्ध तरीके से स्टेशन परिसर के बाहर निकलेंगे और जो तमाम राज्य के जो अन्य अन्य जिलों के जो लोग हैं उस पर सवार उनके लिए स्पेशल बसें लगी हैं। लेकिन सबसे पहले मेडिकल चेकअप की जाएगी, जो आखिर उन अगर जो कोई भी उस तरह के संक्रमित मरीज या यात्री पाए जाते हैं तो उनके लिए अलग क्वारंटीन करने की व्यवस्था है, या फिर अगर किसी तरह की परेशानी होती तो उनके लिए आइसोलेशन की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन ये हटिया स्टेशन परिसर का ये नजारा है कि सैकड़ों की संख्या में बसें यहां तैनात है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी संख्या में सुरक्षा बल की भी तैनाती की गई है। तो ये बस जो है अलग अलग जिलों के लिए चिन्हित किया गया है, सबका रूट बना हुआ है, कितने पैसेंजर यात्री जो हैं उस पर किस जिले के हैं उस हिसाब से यहां बस की भी व्यवस्था की गई है, सबके खाने पीने की व्यवस्था की गई है ताकि जो लोग वापस लौटे उनको कोई दिक्कत न हो। लेकिन एक बड़ा पोस्टर भी यहां लगाया, होर्डिंग भी लगाया गया जिसमें कि जो झारखंड के मजदूर वापस आ रहे हैं उसका मुख्यमंत्री स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर भी अपने आप में एक खुशी जाहिर करती हुई दिख रही है कि जोहार झारखंड, जो हमारे लोग बाहर से वापस आ रहे हैं उनका हम अभिनंदन करते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और खास करके थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री यहां पहुंचे भी थे इस हटिया स्टेशन पर और पूरी तरह से उन्होंने तैयारी का जायजा लिया था कि अगर छोटी सी भी कहीं अगर अभी कमी है तैयारियां में तो उसे पूरी कर ली जाए। हालांकि वो आश्वस्त दिखे यहां की तैयारियों को देखकर और जो अधिकारी थे उसे कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया कि सूक्ष्म रूप से भी कोई कमी न रहे, जो हमारे लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न कर पाए, वो अपने घरों तक सुरक्षित और बिल्कुल उचित व्यवस्था के साथ पहुंचे। लेकिन मेडिकल स्टाफ चूंकि लोग आ रहे हैं यहाँ व्यवस्था हो गई है। अब बड़ी चुनौती तो ये है कि सारे लोग दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं, अब यहां पर इन्हें होम क्वारंटीन में बोला जाएगा रहने के लिए, या सरकार ने कुछ ऐसी भी व्यवस्था की है कि हाँ कुछ लोगों को कहीं और क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा, क्योंकि चुनौतियां अब यहां से शुरू होंगी कि कैसे ले जाना है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, कहां रखना है, कैसे उन पर नजर रखी जाएगी कि उन्हें कोई परेशानी ना हो, क्या व्यवस्था है उसके लिए। बिल्कुल, देखिए कई सेंटर ऐसे बनाए गए हैं जो आइसोलेशन अगर किसी की जरूरत पड़ी तो वह किया जाएगा, लेकिन अधिकतर जो लोग हैं उन्हें होम क्वारंटीन ही किया जाएगा। तो सबसे पहला जो काम होगा वो जैसे ही ट्रेन यहां पहुंचेगी कतारबद्ध तरीके से मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी लोगों की और उसके बाद ही उन्हें बाहर निकलने का परमिशन दिया जाएगा और जो बस लगी हुई है उस पर वो सवार होंगे और अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचेंगे। लेकिन जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल पुख्ता है क्योंकि आज पहली ट्रेन आ रही है और कल दो ट्रेन आएगी, जो एक धनबाद पहुंचेगी और एक रांची ही पहुंचेगी, जो कि कोटा से छात्रों को लेकर भी हजारों की संख्या में पहुंचेगी। तो सरकार विस्तृत पैमाने पर जो है इसको लेकर के तैयारियां कर रही है, लगातार दिन रात अधिकारी जुटे हुए हैं कि उनके लिए भी यही चुनौती है कि
जो लोग लाखों की संख्या में, ये अभी शुरुआत है क्योंकि आज 1200 के करीब मजदूर पहुंचेंगे, कल 1000 के संख्या में छात्र पहुंचेंगे, तो ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है। लाखों की संख्या में जो है मजदूर और छात्र बाहर है, वो सभी अगर झारखंड वापस लौटते हैं तो उनको पंचायत स्तर तक मेडिकल की क्या व्यवस्था या सुरक्षा की क्या व्यवस्था की जाए, उनकी देखरेख की जाए, होम क्वारंटीन के साथ साथ अगर किसी को और मेडिकल सुविधा की आवश्यकता होती है तो उनको किस तरह से दिया जाए, ये तमाम चीजें जो है सरकार के द्वारा लगातार अधिकारियों के द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है और दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार दिया जा रहा है कि हम अपने झारखंड के लोगों को बाहर से बिल्कुल मदन आप अपनी बात कहते रहें और एक बार हमारे कैमरा पर जो सहयोगी हैं उनसे कहें कि थोड़ा वो चारों तरफ कैमरा पैन करके हमें स्टेशन का नजारा दिखाते रहें कि बसें वहां पर कहां लगी हैं या फिर अंदर का वो दिखाते रहें और आप अपनी बात भी वहां कंप्लीट करते रहें। उसमें ये बताएं कि क्या मेडिकल स्टाफ की भी टीम, मेडिकल टीम भी पहुंची है, क्या एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है कि अगर कोई वहां पर लगता है कि उसकी तबीयत खराब रहती है तो उसे तुरंत एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया जाए। जी बिल्कुल, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि एक एक चीज को वो बारीकियां से दिखाए ताकि वो पैन करके दिखाए जो कि स्टेशन परिसर में क्या कुछ व्यवस्था की गई है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करने को लेकर। सर कितनी तैयारियां हैं सुरक्षा को लेकर के? सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारी है यहां पे और सभी लोगों को फैसिलिटेट किया जाएगा ताकि वो लोग अपने गंतव्य स्थान पे टेस्ट के बाद जा सके। सभी जिलों से उनको एस्कॉर्ट करने के लिए एस्कॉर्ट टीम आ चुकी है, पूरी व्यवस्था ठीक है यहाँ पे। सबसे बड़ा चुनौती 1200 की संख्या में एक साथ आएंगे लोग, उनको सोशल डिस्टेंसिंग पालन कराना, ये भी एक चुनौती हो? नहीं, प्रशासन ने उसकी पूरी तैयारी रखी है और सबके लिए हम लोगों ने उसी हिसाब से फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है, मैजिस्ट्रेट है और उनको फैसिलिटेट करने के लिए लायजन अफसर नियुक्त किए गए हैं, मेडिकल टीम भी आई हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए सबको अपने अपने जगह पे पहुंचाया जाएगा। तो बिल्कुल, ये देखिए तैयारियां जो है प्रशासन के द्वारा पुख्ता की गई है। मुख्यमंत्री ने खुद थोड़ी देर पहले यहां आकर जायजा लिया है कि अगर यात्री पहुंचेंगे तो सबसे प्राथमिकता होगी सभी की मेडिकल स्क्रीनिंग कराना। दूसरी तरफ हम तस्वीर ये भी दिखाएंगे कि कतारबद्ध तरीकों से यात्रियों को निकालने के लिए किस तरह से सुबह से ही प्लेटफॉर्म पर जो है ये 1 फीट की दूरी पर जो है ये रेड गोलाकार बनाया गया है जिसमें कि कतारबद्ध तरीके से लोग बाहर आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी तैयारी की है। हालांकि अब से ठीक थोड़ी देर बाद ही 1 घंटे पहले करीब राउरकेला से ट्रेन निकल चुकी है तो अब रांची हटिया स्टेशन थोड़ी देर में ट्रेन पहुंचेगी। लेकिन हम अपने कैमरा पर्सन से और भी तस्वीर दिखाने की बात करेंगे, स्टेशन के अंदर की तस्वीर हम बाद में दिखाएंगे। लेकिन बाहर का हिस्से में जो अभी बसें खड़ी हैं, जो सूचनाएं देनी है उसके लिए यहां अनाउंस भी किया जा रहा है लगातार और सभी को अपनी अपनी ड्यूटी बांट दी गई है। हर एक जिले के लिए बस जो है वो सब पर जो है नंबर सिस्टम लगाया गया है ताकि वो उस जिले के लिए यात्री जो है उस पर सवार होंगे और उनको वहां तक पहुंचाया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रशासन और सरकार के द्वारा पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ तैयारी की गई है ताकि आज ये पहला जत्था होगा अगर हम कहें मजदूरों का तो वो आज यहां पहुंचेगा। लेकिन ये सिलसिला अब लगातार जारी रहेगा क्योंकि 7 से 8 लाख की संख्या तो में यानी मजदूर अगर अंदर स्टेशन से बाहर आएंगे, स्टेशन परिसर से बाहर आएंगे प्लेटफॉर्म से, तो उसी वक्त उनको रोक कर एक एक आदमी को बताया जाएगा कि फला नंबर बस में आप जाकर बैठ जाएं। क्या वैसा होगा? क्या सारे पैसेंजर्स को अलग अलग बताया जाएगा कि ये नंबर की बस आपके लिए है? नहीं, देखिए जैसे ही ट्रेन वहां से चली है तो बॉगी ही बांट दिया गया है, इस जिले के यात्री इस बॉगी में सवार हैं, वहां पर लोग खड़े हैं, यहां के प्रशासन के द्वारा वहां पर खड़ी लोगों को खड़ा किया गया है कि वो मेडिकल स्क्रीनिंग कराने के बाद उन्हें साथ में लेकर बाहर आएंगे और जो बस की संख्या निर्धारित की गई है उस बस पर उन्हें सवार कर उनको वापस अपने गंतव्य स्थल तक ले जाया जाएगा। यहीं पर एचईसी के पास एक अस्पताल है, रिम्स में भी व्यवस्था है, तो जो उस तरह के अगर किसी में सिम्टम्स पाए जाते हैं, जो संक्रमण है कोरोना वायरस को लेकर के अगर उस तरह की कोई भी सिम्टम्स पाए जाते हैं तो एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है, तुरंत उन्हें उस अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा कि उन्हें वहां क्वारंटीन कराया जाए। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर में कि मेडिकल की टीम पूरी भारी तादाद में यहां पर बुलाई गई है क्योंकि 1200 के करीब संख्या में यहां लोग पहुंचेंगे, तो यह भी एक चुनौती होगी कि एक साथ सबका मेडिकल स्क्रीनिंग कर पाना। तो एकदम हम कह सकते हैं कि प्रशासन और सरकार ने मुस्तैदी के साथ पूरी तैयारी की है। मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि माइक्रो लेवल स्तर पर जो है हम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं ताकि कोई भी
चूक न हो और लोगों को किसी परेशानी का सामना न करना। बिल्कुल मदन, आपने बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे से बारीकी से बताया कि सरकार ने क्या व्यवस्था की है। हमारे जो दर्शक हैं जिन्हें ऐसा लग रहा होगा कि भाई इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, कैसे वहां व्यवस्था प्रशासन या सरकार की तरफ से की गई है, किस तरह से मेडिकल किया जाएगा, किस तरह से उन्हें बसों में बैठने की व्यवस्था होगी, सब कुछ आपने बड़े विस्तार से बताया। और बहुत अच्छी व्यवस्था भी ट्रेन में की गई है कि हर जिले के लोगों को अलग अलग कोच में ही रखा गया है, ट्रेन के अलग अलग बोगियों में रखा गया है ताकि उन्हें ले आने में बस तक परेशानी न हो। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही कुछ अपडेट होगा हम फिर आपके पास आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लॉकडाउन की वजह से अलग अलग राज्यों में फंसे लोग अब अपने अपने घर पहुंच सकेंगे। केंद्र सरकार की विशेष ट्रेन चलाने की अनुमति के बाद दूसरे राज्यों में फंसे छात्र और मजदूर अपने गृह राज्य लौट रहे हैं। राजस्थान के कोटा से झारखंड के हटिया के लिए विशेष ट्रेन रात 10 बजे रवाना हुई। कोटा में फंसे झारखंड के करीब 1200 छात्र विशेष ट्रेन से रवाना हुए हैं। बिल्कुल, यहां से आज एक ट्रेन जा रही है जिसमें करीब 1200 बच्चे जाएंगे। इसके अलावा एक और ट्रेन कल जाएगी जो बचे हुए सभी बच्चों को ले जाएंगे। तो इसमें हमने बच्चों को दो कैटेगरी में बांटा है, उनको सबको अलग अलग समय दिया, किसी को 6 बजे का दिया, 7 बजे का दिया, 8 बजे का दिया, ताकि एक साथ 1200 बच्चों का प्रेशर नहीं आए। तो जैसा आप देख रहे हैं उसका इफेक्ट ये है कि कहीं पर भी किसी भी जगह भी ट्रैफिक जाम नहीं, बच्चे जैसे आ रहे हैं वैसे उनको प्लेटफॉर्म की तरफ भेजा जा रहा है। प्लेटफॉर्म के अंदर की जहां तक बात है वहां पर ट्रेन लगने तक आरपीएफ से कोऑर्डिनेट करके हम ये कोशिश करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरीके से मेंटेन रहे। कोटा से लौट रहे हमारे छात्र, कृपया ये भी ध्यान दें कि रांची और आसपास के जिलों के लिए जहां आज एक ट्रेन रात 9 बजे चलेगी, वहीं धनबाद और उसके आसपास के जिलों के लिए कल रात्रि यानी कि शनिवार को रात 9 बजे ट्रेन खुलेगी। मुख्यमंत्री ने इसका पूरा विवरण भी दिया है। उन्होंने लिखा है कि इन छात्रों को लाने का किराया राज्य सरकार ने अपने मद से वहन किया है, यानी राज्य सरकार ने यह पूरा, उनको जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लाने का खर्च राज्य सरकार उठा रही है। शनिवार सुबह धनबाद जिला प्रशासन की ओर से दूसरे राज्यों में फंसे लोगों की वापसी के लिए 100 बसों को रवाना किया जाएगा। बसों से झारखंड से सटे सीमावर्ती राज्यों में फंसे छात्र और मजदूर वापस आ सकेंगे। वहीं बसों में काम करने वाले एजेंट और बस ड्राइवर्स ने कोरोना को लेकर अपनी आशंका व्यक्त की है और सरकार से सुरक्षा किट और बीमा सुरक्षा देने की मांग की है। ये जनधन खाता में चला गया, मजदूरों खाता में, लेकिन बस वाला के खाता में जितना स्टाफ है किसी को तो कुछ नहीं मिलता है। और मालिक कितना मन करेगा, मालिक जितना बुझाता है उतना तो किया अपना, इसके बाद भी तो पेट नहीं भरेगा 150 से, तो बहुत दिक्कत है। जो डेली कमाने खाने वाला उसको तो दिक्कत है। देखिए, अभी राज्य सरकार के द्वारा और हमारे विभागीय सचिव के द्वारा निर्देश दिया गया है कि जो झारखंड राज्य के सटे हुए बॉर्डर एरिया के जितने स्टेट्स हैं, जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये 6 राज्यों में जितने भी मजदूर हमारे फंसे हुए हैं